हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज बेसिकली हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या जो टॉपिक हम अब आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का जो नाम है बेसिकली आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये यूनिट फोर्थ में आता है। इसका नाम है आर्चेस एंड सस्पेंशन केबल्स। तो बेसिकली जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम आर्चेस है, जिसमें हम आर्च के बारे में पढ़ेंगे, और जो इसी में सेकंड टॉपिक है उसका नाम है सस्पेंशन केबल एंड ब्रिज, जिसमें हम केबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्रिजेस हम लोग बनाते हैं जिसमें हम केबल्स का यूज करते हैं, डायरेक्टली आपका जो लोड होता है वो केबल्स के ऊपर ट्रांसफर होता है और केबल से अबटमेंट पे जाता है, तो किस तरीके से वो प्रोसेस होती है और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट। सो सबसे पहले जो हम आर्च स्टार्ट करेंगे, तो आर्च में भी आपकी कैटेगरीज है। यहाँ पे हम आर्च को एनालाइज करना सीखेंगे कि बेसिकली जो आर्च होता है वो किस चीज का रिप्लेसमेंट है और इसको किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने में क्या हमारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कितने टाइप के आर्चेस होते हैं, आर्चेस में लाइक 3 इंच आर्च होता है, 2 इंच होता है, फिक्स्ड होता है, फिर उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, आर्च को किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग टोटली एनालाइज में हम लोग किस तरीके से उसकी रिएक्शंस निकालते हैं, कैसे उसके बाइंडिंग मोमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे बाइंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के आर्चेस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम सस्पेंशन केबल ब्रिज की बात करेंगे। सो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में थर्ड यूनिट कवर किया और उसमें हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करके किसी बीम को किस तरीके से मूवमेंट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरीके से उसका बीएमडी ड्रॉ किया जाता है, हमने उसमें डिस्कस किया था। फिर हमने कॉलम एनालॉगी की बात करी, फिर हमने उसमें हमने बीम को एनालाइज करना सीखा। इसी तरीके से यहाँ पे हम आर्चेस की बात करने वाले हैं। सो जो आर्च होगा यहाँ पे, तो बेसिकली आर्च जो आपको दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपने मोस्टली देखा होगा। नॉर्मली ये आप लोगों को बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, लाइक जो ब्रिजेस वगैरह बने रहते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली इन्वर्टेड केबल की तरह होता है, मतलब केबल्स आपकी जो होती है वो इस तरीके से होती है, केबल्स आपकी जो होती है वो इस तरीके से होती है। ये केबल्स की कंडीशन होती है, केबल्स जो लगाई जाती हैं, नीचे से जो ब्रिज होता है, ब्रिज में बेसिकली यहाँ पे ऐसे सस्पेंडर्स लगाए जाते हैं जिससे ब्रिज के फ्लोर से आपके सस्पेंडर के थ्रू इस केबल्स पे लोड ट्रांसफर होता है, और केबल्स एंड पे इस तरीके से अबटमेंट से कनेक्टेड होती हैं। तो ये आपका सस्पेंशन केबल ब्रिज होता है। तो इसमें हम बेसिकली मेनली जो पढ़ने वाले हैं इस केबल के बारे में पढ़ने वाले कि ये बेसिकली केबल होती है, तो इसके ऊपर जो डायरेक्ट टेंशन ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है और फिर उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो केबल्स में ये आएगा। और इसी तरीके से जब आर्चेस होगा तो आर्चेस बेसिकली इन्वर्टेड केबल के फॉर्म में होता है, ये 2 इंच भी हो सकता है, 3 इंच भी हो सकता है, तो इसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे इसमें हम आर्चेस के बारे में पढ़ने वाले, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आर्चेस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो आर्च क्या होता है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।